वंदन करसी हरिदास विपुल प्रेम निज नैन गए प्रिय सुहारिंद गुरु सेवत गोविंद मिलो गुरु गोविंद हरिदास हरिदास को जीवत है मुखचा डिगरी लें सहार के मेरी कुंज बिहारी निवास और मैं सो कर सके अपने नगो व्रत पास अनंत जन्म के भूल को छिन में डारे खो कुंज बिहारी लाडली कुंते सर कुछ हो मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण जान न दी जो जगत में पर पल सुखदान जो गिरेगी रावली होए बहुत साते तुम सो कहते हैं आपने पास फूल छुड़ाओ लाडली समझ दियो भरपूर बात त्योहारे हाथ है मेरी सजीवन मेरी लाज लाडली तो ही सभी त्योहारे हाथ यारी आशकों अवनान तुमरे चरण कमल तुमरे चरण कमल श्री बिहारी जी महाराज की स्वामी जी महाराज की वृंदावन चंद्र की समस्त आचार्य वृंद गुरुदेव शरणारविंद जय जय श्री हरिदास जय जय श्री हरिदास श्री स्वामी किशोरदास जी महाराज श्री गुरुदेव पीताम्बरदेव जी महाराज के चरणों में परम निष्ठ भावना रखते हुए आज खंड के माध्यम से हम आश्रित जनों को जीव की दशा वर्णन कर रहे हैं। पूर्व प्रसंग में भी आपने जीव की दशा सुनी, जीव की कैसी दशा रहती है। अस्तुति करे उर त्रास भर गिरत गहत हरि पाय गर्व पर्यो अर्वक बदत तन मन मम अकुलाय ठाकुर से स्तुति कर रहा है। हे प्रभु इस गर्ववास से मुख को छुटकारा दो, तन से मन से मैं व्याकुल हूँ प्रभु अति दुखद हूँ, अति दुख मुझे व्याप रहा है। कल के प्रसंग में आपने सुना बहुत प्रार्थना करता है, बड़े वायदा करता है ये जीव। प्रभु मैं आपका सत्संग सुनूंगा, संतों की शरणागति स्वीकार करूंगा, गुरुओं की शरणागति, मैं आपके सुख से सुखी हो जाऊंगा, प्रभु अब निकाल लो मुझे इस नरक कुंड से। ऐसे गर्भवास में और हरि से प्रार्थना करता है और वायदा करता है। भय मास नव करत पुकारा ल्यावत भाई योनि के द्वारा
ऐसे करते कराते 9 महीने का बच्चा हो जाता है गर्भवास में, और वायु योनि के द्वारा वो जो है बाहर आ जाता है। नाल टूट लपटत तन ऐसे, तस्कर त्रास बनत तन जैसे। बच्चे का और माता का संबंध होता है जिस तंतु के द्वारा, उसको नाल कहते हैं। तो नाल टूट लपटत तन ऐसे, जब ये बच्चा पैदा होता है तो नाल टूटता है और वो शरीर में ऐसे लपट जाता है, तस्कर त्रास बनत तन जैसे, जैसे किसी अपराधी को बांध दिया हो। निकसत कठिन कष्ट तन माही, कनक सूत जंत्री खितियाई। जन्म लेने में बच्चे को बहुत बड़ा कष्ट होता है। कनक सूत जंत्री खिचियाई, निकसत कठिन कष्ट तनम, बहुत बड़ा दुख होता है। जो नरक में दुख था उससे दुगुना दुख गर्भवास में, और गर्भवास में जो दुख है उससे बहुत ज्यादा दुख जन्म लेने में। तो दुख ही दुख है, हरि भक्ति के बिना सुख है कहाँ। संसार में कुछ सुख का सा आभास करता है, बाकी सुख है ही नहीं। सुख मिलेगा तो बिहारी रहन के क्षणों में अनन्य भाव से प्रीत करने से ही मिलेगा। तो इसकी ऐसी दशा है जन्म लेने समय भी। तो निकसत कठिन कष्ट तन माई, कनक सूत जंत्री खिचियाई। गर्भवास नव मास दुखावे, निकसत कष्ट तास संपावे। जो कष्ट 9 महीने में इस बच्चे को हुआ था गर्भवास में, उतना कष्ट केवल जन्म लेने भर में हो रहा है। धरनी परत ही सब सुध भूल्यो, माया मगन हिंडोरे झूल्यो। बच्चे ने जन्म ले लिया, परिवार वालों को बड़ी प्रसन्नता हुई, हमारे घर में लाला जाया है, लाला ने जन्म लिया है। लेकिन जन्म लेते ही ये माया के चुंगुल में फंस गया, और जो वायदा किया था कि मैं तेरा भजन करूंगा, यहाँ की हवा लगते ही धरन परत ही सब सुध भूल्यो, माया मगन हिंडोरे झूल्यो। माया की गोदी में है ये जीव, और माया कई हिंडोरे में झूल रहा है ये। मान लीजिए शेष भक्ति परायण है, पूर्व समय में किसी कारण से इसको जन्म लेना पड़ गया, तो इसको उतना दुख नहीं होता है अगर भक्ति करी है पूर्व। भक्ति से सारे दुख समाप्त होते हैं। जन्म लेना भी पड़ा है, गर्भवास में आना पड़ा है, लेकिन इसको वो दुख नहीं होगा उतना जितना कि अधम प्राणियों को होता है जिन्होंने भक्ति नहीं करी मनुष्य जन्म में। बिल्कुल। और उसके संस्कार ऐसे तीव्र होंगे कि जन्म लेते ही वो जो है संत भक्तों के प्रति आस्था, दर्शन में भाव, भजन कहीं हो रहे होंगे उसमें भाव, बचपन से उसके संस्कार इस प्रकार के होंगे। बैठन में, देखन में,
उनकी क्रिया अलग प्रकार की होंगी और संसारी अधम प्राणी की क्रियाएं अलग प्रकार की होती हैं, लेकिन पूर्व जन्म में जो भजन परायण रहा है उसकी क्रियाएं अलग प्रकार की होती हैं, मन उसका अलग प्रकार का, प्रारंभ से ही उसका दुख बहुत कम होता है, होता तो है लेकिन बहुत कम, अधम प्राणियों के दुख से अधिक कम होता है। धरन परत ही सब सुध भूलो, माया मगन हिंडोरे झूलो, माखी मसक डसत तन दुखे, मात प्यात पैमानत भूखे। कोई माखी खाती है, कोई मच्छर खाता है, उसके खाने से तन दुखता है, शरीर में पीड़ा होती है। मात प्यात पैमानत भूख है, और जब देखती है माता के सबको तो भूख लग रही होगी तो पै पान कराती है, दुग्ध पान कराती है। क्षुदा उदर मधि लागत भारी, दृष्टि समुझ मंत्रित महतारी। क्षुदा उदर मधि लागत भारी, उदर में खिदा है, भूखा है, तो महतारी यानी माताजी इसकी दृष्टि को समझ लेती है, भाव को, बच्चे के भाव को, अब मेरा बेटा भूखा होगा। उष्ण असन बिन पकले माता, पीड़त उदर उठत उत्पाता। अभी बेचारा पराधीन है, माता के अधीन है, स्वतंत्र नहीं है, माया के अधीन है, ऐसे भी कह सकते हैं। उष्ण आसन बिन पकले माता, कभी कभी माता गरम भोजन अथवा बिना पका हुआ अधिक गरम ले लेती है, बिना पका हुआ अध पका ढंग से सिद्ध नहीं हुआ ऐसा कुछ ले लेती है, अथवा ज्यादा मिर्ची ले लेती है, तो पीड़त उदर उठत उत्पाता, तो खा लेती है, फिर बच्चे को दुग्धपान कराती है, बच्चा दूध पीता है, तो बच्चे के पेट में भी उसके शरीर में भी दुख होता है, फिर पीड़ा होती है। उष्ण आसन बिन पकले माता, पीड़त उदर उठत उत्पाता। इस तरीके से ये बेचारा दुखी दुखी है जी, जन्म लेना इसीलिए तो कहते हैं जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः। नरकों में दुख, गर्भवास में आ गई वहां दुख, जन्म लेने में दुख, सुख है कहाँ? सुखी तो वही है जो भक्ति करेगा, सुख कहीं नहीं है संसार में, ये सुख दिख रहा है कहीं नहीं है, ये सुख दुख को देने वाला है, अपार दुख को। इस सुख में ही सुख है या दुख है, जैसी भी स्थिति है, कड़ाई करके अपने आप को नियंत्रण करके इसमें भजन परायण रहेंगे और प्रार्थना करते रहेंगे, हे प्रभु अब इस सागर में, भव सागर में, संसार सागर में प्रभु अब मत लाना, ऐच आपने पास, कहते हैं ना सुनी वैल लाली प्रिया जू, अब जान न दीजो जगत में, ऐच आप अब जगत में मत जाने देना, तुम सपने भी सुख न लिखो संसारा, स्वप्न में भी संसार में सुख नहीं है। असमंजस ऐसी भई मास पांच ते फेर, दीपक तन चितवत रहे बचन सुनावत तेर। अब जो पांच महीने का हो गया ये असमंजस में रहता है, संशय में रहता है,
दीपक तन चितवत रहे और दीपक की तरफ देखता है। बहुतेरे मान जो है महापुरुष लोग कहते हैं इसको ऐसा होता है जैसे कोई प्रकाश के दर्शन, हरि के दर्शन गर्भवास में किए थे, चमक दमक के सुंदर हैं ठाकुर, ऐसे कुछ इस तरीके से ये कुछ अंदाजा लगाता है दीपक की तरफ देख के, और कुछ इसको शांति सी मिलती है क्योंकि सुंदरता के कुछ दर्शन किए कुछ अंशों में, तो उसी सुंदरता को यहाँ ढूंढता रहता है। तो दीपक तन चित्तवत रहे बचन सुनावत तेर, और माता कुछ तेर के सुनाती है वो, अथवा थोड़ा बहुत आप भी किलकारी मारता है बच्चा, तो आदि आदि खेल बाल खेल करता रहता है। अब होता क्या है इसके साथ, सबते पतित पिता और माता हर तज हर से बतावत नाता। आचार्य प्रवर कहते हैं सही पूछा जाए तो सबसे पतित और इस शिशु का भी पतन करने वाले और अपना भी पतन करने वाले तो माता पिता हैं, क्योंकि बचपन काल से जो संसारी माँ बाप होते हैं अधिकांश क्या सिखाते हैं, ये तेरी भुआ है, ये तेरा पापा हैं, ये तेरे वो हैं, ये नहीं सिखाते हैं बेटा राधे राधे कर, श्री अरदास नाम ले, कीर्तन में बैठ, ये कर, ऐसे संस्कार न देखे, केवल संसार के संस्कारों में, संसार के संबंधों में उसको बचपन काल से ही जब तक बोलने भी नहीं लगता है उसी में दृढ़ कर देते हैं, परिपक्व कर देते हैं, इसलिए वो बड़ा होने पर भी उनसे वो है उपराम नहीं हो पाता है। ठीक है ये संस्कार और ये परिवार में जन्म लिया है ये तो संबंध रहेंगे ही, बिना ही बताए रहेंगे, निद्रा मैथुन भकन भय सहज सुबह सुध हो, निद्रा है मैथुन है भखन है और भय है, इन चारों बातों की शुद्ध तो अपने आप ही होती है जीव को, अनुभव भगवत भजन को भागवान लह को, लेकिन हरि भजन का जो अनुभव है ये सतगुरुओं की कृपा से, अथवा माता पिता संस्कारी हों हरि भजन परायण हों जैसे मंदाल सा आदि पिता ऋषभदेव जी जैसे ऐसे हों माता पिता, तो बच्चों को बचपन से ही अच्छे संस्कार देते हैं, भक्ति में संस्कार देते हैं और इनका कल्याण करते हैं, पढ़ाना है लिखाना है खूब योग्य बनाना है। लेकिन ये पढ़ाई लिखाई सबका आधार सबका लक्ष्य क्या है बेटे, सब कुछ जो कुछ कर रहे हो उसका मूल आधार भक्ति है, भक्ति को सजाने के लिए ये सब कुछ सोच है, ऐसा लक्ष्य रहना चाहिए। तो ये माता पिता इस चाहोगे तो इस बच्चे का उद्धार कर देंगे, इस बच्चे को ठाकुर से मिला देंगे, लेकिन कब आप मिले हों आपके संस्कार अच्छे हों तभी तो बच्चे को कर सकते हैं, जब स्वयं के ही संस्कार अच्छे नहीं है, स्वयं जैसा पढ़े थे वैसा ही बच्चों को पढ़ाए। तो सब ते पति तो पिता और माता हर तज हर से बतावत नाता। कई बार ऐसा भी होता है माता पिता तो बहुत अच्छे हैं लेकिन बच्चा बड़ा हुआ और बचपन में संस्कार देने की कोशिश करते हैं, संस्कार आलसवश दिए नहीं या उसने किसी प्रकार लिए नहीं, बचपन में तो लेता है संस्कार, लेकिन जैसे थोड़ा बड़ा होने लगता है अगर उसने कुसंग ले लिया तो माँ बापों के संस्कार भी धूमिल होने लगते हैं कुसंग पाके, इसलिए कुसंग से भी बचाना है और संस्कार भी देने हैं, तब वो बेचारा उज्ज्वलता को प्राप्त होगा, नहीं तो छोटेपन से और तरह की बोली
ये परमार्थ देश बड़ा महीन है, 12 वर्ष रहे संतन की टोली और जब आवे एक बोली। बोलना भी सीखना होता है परमार्थ से, कि हमको संत गुरु आचार्य इनके शरणों में बैठे इनसे कैसे बोलेंगे, हमारे प्रति कैसे करुणा कृपा करेंगे, हमारा जीवन कैसे। तो और तरह का संग मिलता है, कुसंग जिनको मिलता है, वहाँ बोली भी और तरह की अहंकारमयी, बचपन काल से ही कुमार अवस्था से ही बोली चाली भी दूषित हो जाती है, उस बोली के माध्यम से ही दूसरों को कष्ट होने लगता है, ऐसे ऐसे बच्चों के स्वभाव हो जाते हैं। इसमें कमी माता पिता की बताई जाती है, बड़ा होने पर बच्चा अगर माता पिता का संग नहीं करता, कुसंग ले ले, तो फिर बच्चे की कमी होती है। लेकिन बचपन काल से माता पिता को संस्कार देने चाहिए। नाम भी इस प्रकार के रख देते हैं बच्चों के कि जो है बिल्कुल शुद्ध संसारी, जिनमें कोई अर्थ ही नहीं है। हरि संबंध नाम रखने से तुम भी अगर ममता वश भी बच्चे को बुला रहे हो तो कहना तो ठाकुर जी का नाम ही पड़ेगा। जैसे किसी बच्चे का नाम राधा कृष्ण या कृष्णदास है या राधा शरण है, जो भी नाम है, तो या मदन मोहन है, जो भी नाम लेंगे तो ठाकुर का नाम स्मरण हुआ। स्वामी जी के जनों को स्वामी जी की पद्धति के अनुसार नाम रखने चाहिए बच्चों को, परंपरा के अनुसार। जैसे प्रिया प्रीतम के जो नाम हैं, रसिक जनों के जो नाम हैं, उस तरीके से नाम रखने से परंपरा भी सुरक्षित रहती है और हरि संबंध भी स्थापित रहता है। तो नाम लेने से, जैसे अजामिल के प्रसंग में केवल एक ममता बस नाम लेने से ही शरण हो गया पिता का, तो इससे बड़ा लाभ होता है परिवार को भी और उस बच्चे को भी। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम होता है वैसे ही गुण आने लगते हैं। लेकिन कुसंग न मिले जब लोग जो तो सबते पतित पिता और माता, हर तज हर्ष बतावत नाता। सुनिमम सुवन पिता यह तेरो, या को बड़ो भ्रात कह तेरो। माता पिता को चाहिए जो स्वामी जी के घराने में भी गृहस्थी भक्त जन जो समझदार हैं, जिस दिन नामकरण संस्कार होता है 10 दिना का, 15 दिना का, महीना का, जब भी, उसी समय गुरुओं के द्वारा नामकरण कराते हैं, वेद रीति से नहीं, रस रीति के द्वारा, क्योंकि वो निमग्न है। और नामकरण कराते हैं, चाहे पत्रा में भी दिखवाया है, पत्रा के हिसाब से कोई नाम है, उसको हरि संबंधी नाम दे देते हैं गुरुजन। तो इस तरीके की बात है। और कंठी संस्कार भी, चाहे बच्चा जो है बोल रहा नहीं, चाल रहा नहीं, 10-15 दिन का है, लेकिन उसके मंत्र भी दे देते हैं कान में गुरुजन, जो दक्ष गुरुजन होते हैं, श्री कुंज विहारी श्री अरदास कहते हैं, मंत्र दे देते हैं और माता पिता से कह देते हैं कि बड़ा हो जाओ इसको बता देना। तो वो सहज हमने देखा है, वो बड़ा होता जाएगा, उसको अपने आप ही ये याद रहता है कि मैं इनका शिष्य हूँ और मेरा मंत्र ये है। सहज कहीं न कहीं से वो अपने आप उसमें रसरंग में रहता है। इस तरीके के बच्चे माँ बापों को बच्चों में संस्कार डालना होता है बचपन काल से ही। माता पिता को ये भी सोचना चाहिए कि ये बेचारा कोई जीव और हमारे यहाँ जन्म लिया है, जो भक्ति में माता पिता हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि किसी के जीवन का भरोसा नहीं है। हमारे यहाँ जन्म लिया है इसने, अब इसका पूर्व संस्कार कैसा है, लेकिन हमको अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए।
इसको कंठी संस्कार करा देना चाहिए, हरि षणमुख कर देना चाहिए। तो कंठी संस्कार होने से, हरि षणमुख मत्थे पे रज लगने से, गले में कंठी होने से, बचपन काल से ही उसके संस्कार बदलने लग जाते हैं इनकी कृपा से। तो ये माता पिता का कर्तव्य बनता है। बोलो भी हरि जी महाराज की। अगर संस्कार बदलते हैं आगे चल के तो कुसंग पाके बदल जाते हैं। कुसंग पाके तो अच्छे अच्छे ऋषि मुनि भी और तरह के भरत विभूचे, यानी श्री भरत जी महाराज, जड़ भरत जी महाराज, हिरण के बच्चे का संग पाके अपने आप को संभाल न सके और हिरण ही बनना पड़ा। सिद्ध विभूचे भरत समान, इसलिए कुसंग से बचना होता है। बचपन से लेके एक एक दिन को संभालना होता है इसमें। ये नहीं हमने आज तो सुन लिया, श्रवण कर लिया और संतों का संग बहुत किया, 10 साल, 5 साल, 1 साल, जीवन पर्यंत अपने चिंतन में, मनन में और गुरु संतों की शरणागति में। हाँ, वस्तु समझ में आ गई हो। श्री हरगुलाल जी महाराज, लाला जी, पूजपा जी कहते थे, वस्तु समझ में आ गई है और अब ऐसा दिख रहा है कि कोई हमको यथार्थ कोई समझाने वाला दिख नहीं रहा है, उनके पास बैठ सके ऐसा मूर्ति नहीं दिख रहा है, और वस्तु समझ चुके हैं उनकी कृपा से। ऐसा कई बार होता है, मन मेलू नहीं मिल पाते हैं, जो वस्तु हम चाहते हैं, इस तरीके का ज्ञान चाहते हैं, वो नहीं दे पाते हैं। 4 बार संस्कार संसार की करते हैं और 1 बात परमार्थ की करते हैं, उस तरीके से नाना प्रकार की बात। तो फिर वहां बैठना कैसे बने? बड़े कहते हैं, भैया जब तुम्हारे मन में समझ में आ गया है तो फिर, और तुमको अब कोई ऐसा मिल नहीं रहा है, तो फिर अपनी कुटिया में चाहे सूटों को गिनते रहो, पर कहीं कुसंग में मत बैठो। अपने मन को बहलाने के लिए अन्यत्र मत बैठिए। इस जीवन का एक एक दिन बहुमूल्य है। मन को तो तुम वाणियों में लगाइए, पोथियों में लगाइए, भजन में लगाइए। जितना आनंद, जितना अच्छा जो टेलीविजन को देखने में मन लगता है ना, फिल्म आ रही हो, जब तुम्हारे पर कृपा हो जाएगी बहर जी की, तो जो फिल्म देखने में मन नहीं लगता है, उतना अच्छा नहीं लगता है, जितना फिल्म देखने में मान लीजिए अच्छा लगता है, उससे ज्यादा अच्छा तुमको अध्ययन करने में मन लगेगा। ऐसा मन लगेगा कि फिर मैं ये श्रृंखला जी का पाठ छोड़ू नहीं। इसमें त्रिया जी ये कह रही हैं, लाल जी ये कह रहे हैं, सहचरी ये कह रही हैं, रसिक देव जी ये कह रहे हैं, बिहारी देव जी ये कह रहे हैं। सुनने में, सुनने में मन लगेगा और पुस्तकों को, ग्रंथों को पढ़ने में मन लगेगा। कब? जब ये कृपा होती है, जब ये सुख समझ में आ जाता है। फिर ये टेलीविजन अच्छे नहीं लगते हैं, कहीं कुसंग में बैठना अच्छा नहीं लगता है, मन लगता ही नहीं। ये अपने जीवन का अनुभव बता रहे हैं, महानुभाव का अनुभव, अपने जीवन का अनुभव। फिर ये सारे फिल्म विलम और ये सब ऊट पटांग चीज, नरक में ले जाने वाली चीज हैं, ये नीरस रहती है उनके लिए, वो जहर मानते हैं, ये जहर है। जैसे तैसे एक कढ़ाई भर दूध इकट्ठा किया, सत्संग माध्यम, हरिचर्चा माध्यम, ये दूध मीठा दूध है, ये धीरे धीरे अमृत के रूप में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन जब तक दूध है उसका डर है, कोई उसमें विषैला पदार्थ नेक भी डल गया तो विष बन जाता है। इसलिए कुसंग रूपी विष से बचना है, दूध को विशेष कीमती बनाना है, दही के रूप में, फिर जो है घी के रूप में परिवर्तित बहुमूल्य हो जाएगा क्रमशः। और हम दूध को दही और घी कब बना सकते हैं? जब कुसंग से बचे रहें।
फिर तरोतर हमको इनसे भी हटके अमृत स्वरूप कहें रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। जब तक दूध है घी है छाछ है और दही है इनमें भी विषैला पदार्थ गिर सकता है और ये भी दूषित हो सकते हैं, सावधान रहना चाहिए। लेकिन हरि गुरु संत कृपा से जब ये अमृत स्वरूप हो जाता है विचार बिल्कुल शुद्ध हो जाते हैं, उसंग में बैठना ही नहीं सुहाता कुछ, केवल बिहारी जी से बिहारी जी, स्वामी जी से स्वामी जी, और न सो आंख मुंह है बिहारी जी, फिर इस पर कुसंग का प्रभाव नहीं पड़ता है। कहे रहीम का कर सकत कुसंग चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहे तब जा। कहे रहीम उत्तम प्रकृति, जब उत्तम प्रकृति हो जाती है फिर इनको ये विष कुसंग नहीं व्यापता है। लेकिन उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ पहले समझना पड़ेगा, संत गुरु आचार्यों की कृपा ग्रहण करनी पड़ेगी। इसीलिए जीवन मिला है। लो बिहारी जी महाराज, इस तरीके से ये जीव की दशा बताई महाराज ने। तो सब ते पतित पिता और माता हर तय हर्ष बतावत माता। तो पिता माता को जो बच्ची को संस्कार नहीं देते हैं उनको बहुत पतित बताया, बहुत बुरा बताया। संसार का वैभव कितना भी सामर्थ्यशाली बना दे, अगर बच्चे को भक्ति के संस्कार नहीं दिए तो इस बच्चे के तुम साथी नहीं हो, तुम बच्चे के दुश्मन हो, शत्रु हो, ऐसा शास्त्र कहता है। बोलो बिहारी जी महाराज, आज का प्रश्न। मन मेरे भजी ले श्री कुंज बिहारी, मन मेरे सब सुख सागर रूप उजागर, सब सुख सागर अंग संग प्रीतम प्यारी प्यारी, अंग संग प्यारी प्यारी, मन मेरे भजिले श्री वृंदावन जनुनावन कुंज में, श्री वृंदावन कुंज में केली करत भुज चारी चारी, करत मन मेरे भजी श्री वृंदावन घन नावन, श्री बिहारी बिहारिन दास लड़ाव, जीवन प्राण हमारी जीवन प्राण हमारी मन मेरे भजिले श्री कुंज बिहारी। श्री हरि जी महाराज, स्वामी जी महाराज, वृंदावन चंद्र समस्त आचार्य गुरुदेव चरणारविंद, आज के आनंद, जय जय श्री हरिदास, जय जय श्री हरिदास, जय जय श्री हरिदास।